हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और ओम साई राम। और मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा बहुत रिएक्शन करते हो, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल को फॉलो करना, हमें फेसबुक पर भी आता है और यूट्यूब पर भी, तो आप लोग उसको शेयर करना मत भूलना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करना। आज मैं किस चीज़ की रेसिपी दूंगी, चलो हम वो आपको बताते हैं। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज हम आपको बनाना बता रहे हैं बाजरे की पूड़ी। और यहाँ क्या क्या इसको सामग्री लगेगी, तो वो सारी सामग्री हम आपको बता रहे हैं। यहाँ मैं टमाटर और मिर्च अदरक की चटनी बनाएंगे, इसके साथ सब करेंगे बाजरे की पूड़ी। सबसे पहले बाजरे की पूड़ी बनाने के लिए उसमें आपको धनिया, मिर्च और जिंजर अदरक ले लेना है। जो लहसुन खाता है वो ले सकता है, जो नहीं खाता है उसको अवॉइड कर सकता है। तो ग्राइंडर जार में आपको हम धनिया, मिर्च, अदरक और जीरा डालकर, पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है। आटा लेना है बाजरे का, उसको छान लेना है। फिर उसमें ये मसाला जो आपने पेस्ट बनाया वो डाल देना है। फिर उसमें आपको ऐड करना है सफ़ेद नमक, जो मतलब सादा नमक, काला नमक, टेस्टी नमक एंड और थोड़ा काली मिर्च का मैंने पाउडर डाला था थोड़ा। फिर उसमें सौंफ, थोड़ा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, फिर और हींग। फिर इसको आपको मिला लेना है कुनकुने पानी से। आपको इसको आटा या डो पुड़ी जैसा लगा लेना है। फिर आप आटा लग जाए तो फिर आपको उसको एक सा कर कर छोटी छोटी हाथ से पूड़ी बना लेना। पानी का हाथ लगा लेना है, आप किसी पॉलीथन पे भी बेल सकते हो। फिर आपकी कढ़ाई का तेल गरम हो जाए, उसमें आपको फ्राई पूड़ी जैसा फ्राई कर लेना है। और ये हमारी फ्राई हो चुकी है, टमाटर की चटनी बना ली है, ये मेरी बनकर तैयार है।